तो हेलो बच्चों, नुआवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवा सेक्शन में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जितने भी झारखंड में, सभी को कवर करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि कितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके आसपास में और अच्छे पॉलिटेक्निक आपको इससे पता चल जाएगा, ताकि आप पॉलिटेक्निक का कोर्स आराम से कर पाओ। ठीक है, इसको डिप्लोमा कोर्स भी बोलते हैं, 3 साल का होता है। इंटरमीडिएट के बाद भी बहुत कोई एडमिशन लेते हैं, लेकिन 10th के बाद ये कोर्स किया जाता है। ठीक है, 10th के बाद आप कर सकते हैं, बहुत कोई 12th के बाद भी करते हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉप नॉच कॉलेज हैं, उसके बाद फिर सभी कॉलेज का लोकेशन वाइज भी कौन कौन से एरिया में कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वहाँ पर लिस्ट बनाऊंगा। एक दो कॉलेज इधर उधर हो सकते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा सा हमें उतना राहत दीजिएगा, है ना, कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन सभी का जितना भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बताने की कोशिश करूँगा। टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज को पहले कवर करना चाहता हूँ कि कौन कौन झारखंड के सबसे टॉप कॉलेज हैं, इनकी तैयारी कैसे करना वो भी मैं बताऊँगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आता है वो आदित्यपुर है, जो कि जमशेदपुर में सबसे रैंक 1 में इंडिया झारखंड में यही आता है। ठीक है, झारखंड का सबसे नंबर रैंक में यही कॉलेज है। उसके बाद देखिए, सेकंड कॉलेज आपका जीपी धनबाद है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे टॉप हैं, टॉप में तो आदित्यपुर पक्का है। उसके बाद देखिए, थर्ड नंबर में जीपी का रांची है, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची, ये भी पॉलिटेक्निक का कोर्स कराते हैं। ये तीनों आपके सबसे टॉप नॉच कॉलेज में माने जाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो मैंने दूसरे कलर में किया, ये आपके 4, 5 और 6 नंबर में आते हैं। 4th नंबर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा धनबाद में ही है, धनबाद में 2 कॉलेज आ गए, देख लीजिए। और फिर 5th नंबर भी वहीं पे है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा, तो ये तीनों यहीं पे हैं धनबाद में। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी, जो कि बोकारो में, ये 6th नंबर में, ये सारे जितने भी मैं बता रहा हूँ वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चलिए सारे के बारे में बताऊँगा। उसके बाद देखिए, 7th नंबर में यहाँ पर आपको दिख रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दुमका, और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा। इसके अलावा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और सुनिएगा, गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे लड़कियाँ एडमिशन ले सकती है, वो भी टॉप नॉच कॉलेज है। इसके अलावा जो प्राइवेट में अच्छे अच्छे कॉलेज है, जो मैं उसका भी लिस्ट बता देता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए। तो ये सारे कॉलेजेस जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और बहुत ही टॉप नॉच हैं। तो आपको इन सभी कॉलेजों को पाना है, तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी। JCE CEB का जो एग्ज़ाम होता है उसको भरना ही होगा, और उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, वो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही 2 और 10th का रिजल्ट आएगा, उसका फॉर्म फिलअप का टाइम आएगा, तो वो आप देख लेना कब आता है, वो आपको आपका काम है कि JCE का जो आपको मतलब कि वेबसाइट है उसको सर्च करते रहना है। ठीक है, और जैसे ही फॉर्म आएगा भर देना। तैयारी कैसे करना मैं बता दूं कि मैंने बुक्स का नीचे नाम लिख दिया है, बुक्स में कौन कौन बुक्स से प्रिपरेशन करना, वो बुक्स आप प्रिपरेशन करो यार, आपके पक्के निकलेंगे। ठीक है, और वो बुक्स बहुत ही अच्छा है, मैंने अपने यही बुक से तैयारी किया था और मेरा रैंक 1200 के अंदर आया था, जिसके कारण मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी मिल रहा था। ठीक है, तो आप ये वाला जरूर देखना, और जो नीचे जो बुक्स मैंने नीचे रेफर किए वो जरूर आप रेफर मतलब करना, उसको पढ़ लेना, आपको कंप्लीट हो जाएगा, जबकि मैंने वो बुक्स पूरा कंप्लीट भी नहीं किया था। अगर आप पूरा बुक्स कंप्लीट करते हो अरिहंत का जो है पॉलिटेक्निक का कॉलेज का पॉलिटेक्निक का, तो वह और एक मॉडल टेस्ट पेपर है 15 सेट का। ठीक है, तो वो 15 सेट क्लियर कर देते हो वो अरिहंत वाला बुक से कंप्लीट करके, तो आपके रैंक 500 से अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेना। अब चलिए आगे, मैं प्रिपरेशन की तैयारी में बता दें कैसे करना है, और बुक जरूर रखा करो यार। PDF से जो पढ़ते हैं बच्चे, वो कभी रैंक नहीं कर पाते, पता है क्यों? क्योंकि उनको बुक की आदत नहीं होती। बुक सबसे बड़ा साथी होता है मित्रों बच्चों के लिए, मैं बता देता हूँ, बच्चों के लिए सबसे बड़ा साथी है PDF नहीं है, बल्कि आपका हार्ड बुक है, जो कि बुक है। बुक आपको खरीदना जरूरी है, वो बुक देख लीजिए नीचे, वहां से जाकर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। आगे देखिए, गुड प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन है। अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि जमशेदपुर में, ये बहुत ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज में माना जाता है, प्लेसमेंट भी लगती है। BIT में सर रांची है, उसके बाद BMIT है जो है, है ना, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज है। उसके बाद KK पॉलिटेक्निक धनबाद का, और कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक रांची, ये सारे बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने यहाँ नाम ले दिया। प्लेसमेंट के मामले में ये कॉलेज BIT मिश्रा पॉलिटेक्निक, BMIT, ये सारे में प्लेसमेंट होता है, KK में भी होता है। इसके अलावा ये सारे गवर्नमेंट में प्लेसमेंट होता है, जबकि ये तीनों में बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है। तो ये मैंने प्लेसमेंट की बात कर दी। अब चलिए बाकी जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसका लिस्ट में दिखा देता हूँ लोकेशन वाइज कि कौन कौन से जगह में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो उसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो ले लेना। देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए आप एक बार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन है, इसका ले लिए होंगे तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज का एक बार ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम उस पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए कौन कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज है। देखिए, देख पा रहे होंगे कि बोकारो में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खुटरी है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बोकारो में, मैंने बता दिया ये भी है, ये दोनों बोकारो में स्थित हैं। तो आप बोकारो में है तो आपका लोकेशन सामने, तो ये दोनों कॉलेजेस में आप पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, देवघर का जो मधुपुर पॉलिटेक्निक है वो है देवघर के में स्थित है। धनबाद में चलिए देखते हैं, धनबाद में देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा भी कॉलेज है। उसके अलावा वहाँ पे KK कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है, जो मैंने आपको बताया था, KK पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद KK पॉलिटेक्निक कॉलेज
भी वहीं पे है। फिर उसके बाद पेमिकिया ऋषिकेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहीं पे है। ये सारे आपके धनबाद में हो गए, ये सारे धनबाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित हैं। तो ऐसे पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आपको सामने में है, और अब जो अच्छा है, जितने अच्छे थे मुझे मालूम थे मैंने बता दिया, बाकी कॉलेज भी अगर अच्छे हैं आपके अपने सामने हैं तो ये सारे कॉलेजों को पता लगाइए और वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। दुमका में देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुमका अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद ईस्ट सिंहभूम में चले आ जाते हैं तो वहाँ पर बेहरा गोरा जो भी है पॉलिटेक्निक कॉलेज है। फिर नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एक कॉलेज वहाँ पे है। उसके बाद देखिए गढ़वा में कौन सा है, गढ़वा पॉलिटेक्निक है। और उसके बाद गिरिडीह में देखिए कौन सा है, खंडोली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये गिरिडीह में आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज का ब्यौरा हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं कि और कौन कौन से जगह में कौन कौन से पॉलिटेक्निक कॉलेज झारखंड में स्थित है। अब देखिए कोडरमा में कौन कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोडरमा है। उसके बाद राम गोविंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद देखिए पाकुड़ में कौन सा है, पाकुड़ पॉलिटेक्निक है ना, जो कि कहाँ इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ झारखंड एंड रन बाई भुवनेश्वर पॉलिटेक्निक एंड कोबायोटेक कैंपस अंडर PPP जो भी लिखा हुआ है, ये आपके पाकुड़ में स्थित है। अब देखिए पलामू में एक और कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लातेहार है, ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पर स्थित है। उसके अलावा चंद्रवंशी है पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये भी यहाँ पर स्थित है। रामगढ़ में देखिए कौन सा है, रामगढ़ आपको पता होगा। फिर देखिए गोला पॉलिटेक्निक है ना, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, नाम भी लिखा हुआ है ना, गुरु नानक टेक्निकल फाउंडेशन। छोड़िए रांची में देखिए, रांची में बहुत सारे हैं, तो BIT आपका सबसे पहले आता है पॉलिटेक्निक। उसके बाद देखिए कैम्ब्रिज, आपको मैंने बताया था कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक। उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आता है, सेंटर फॉर गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट भी है, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका रांची है तो गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज यहाँ पे भी है, तो देख लीजिएगा वहाँ पे भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट मिनी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर भी है। उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर्ज टेक्नोलॉजी, तो रांची में आपको काफ़ी सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज अच्छे अच्छे मिल जाते हैं देखने को। फिर नीला इंस्टीट्यूट ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, इंस्टीट्यूशंस एंड वगैरह देखिए, रांची कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसके बाद साईनाथ यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद देखिए सरोजिनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी सारे हैं, साइन अब्दूर रज्जाक जो भी है, अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन जो भी है। उसके बाद देखिए सिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज भी वहीं पर है। उसके बाद अंडर यूनिवर्सिटी, उसके बाद यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक BIT मिश्रा है, BIT मिश्रा का मैंने बता दिया। उसके बाद विद्या मेमोरियल जो आपको VMIT मैंने बताया था वही है, विद्या मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मैंने लिस्ट में वहाँ पे शुरू में ही दिखा दिया था। उसके बाद JVR इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी ये भी है। अब देखिए सरायकेला एंड खरसावान में कौन कौन सा है, चांदिल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, कौन से इस्टेब्लिश किया गया वो भी नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा सरायकेला खरसवान में देखिए कौन कौन सा है, अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसवान है ना, जो भी नाम लिखा हुआ है खरसवान। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में भी है, तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है लड़कियों के लिए। और फिर इंडो दानिश टूल रूम भी है। तो ये सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज जितने भी थे मैंने लिस्ट में बता दिया, जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज छूट गया होगा आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना ताकि बाकियों का हेल्प हो जाए। और जो अच्छे अच्छे कॉलेज है, जो मेरे टॉप कॉलेज का नाम अगर छूट गया तो उसको भी कमेंट कर देना ताकि सारे इसके बारे में जान पाए। और बात रही कि कैसे प्रिपरेशन करना, तो प्रिपरेशन करने के लिए जो बुक का लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिए, रेफर कर लीजिए बुक से, तैयारी कर लो यार, टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग का 10th और 12th में जो होना तो हो गया, अब आपको प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, अच्छे कॉलेज के लिए पीछे चलना चाहिए है ना। तो ये कॉलेज जो आपको चाहिए, अगर टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको बुक खरीद के उसका एक सेट तैयार करना चाहिए, और उसके बाद मॉडल पेपर जो मैंने बताया 15 सेट का, वो सेट आपको क्लियर कर देना है। CBSE बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड, दोनों का मैंने बता दिया कि कौन कौन से बुक आपको लेना है, रेफर करना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों वहाँ पे जाके अपना अपना हिसाब से बुक ले लें, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों, ठीक है। और बुक से प्रिपरेशन करें, सभी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करना है। सिर्फ NCERT आपके लिए काफ़ी नहीं है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं तो 10th का जो सिर्फ NCERT उससे क्लियर नहीं होगा आपका ये एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़े अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज का पॉलिटेक्निक का जो बुक है उसी से आपका प्रिपरेशन तैयारी होगा। तो वो बुक ले लेना, तैयारी करना, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, अपने से कर लेना। वीडियो आजकल यूट्यूब में काफ़ी मौजूद है ना, तो वो बुक बना बनाकर और बाकी वीडियोज देखकर आप हेल्प से बना सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।